पांच क्वेश्चंस करने। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो फ्रॉम द बिगिनिंग फाइव क्वेश्चन तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। शाबाश। ओके जल्दी, तो जल्दी बच्चा हमारे पास यहाँ पर बताएं जो शुरुआत का क्वेश्चन नहीं समझ आया। हाँ बोलो, शुरुआत के पांच क्वेश्चंस के अंदर से कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आता है? यार थर्ड क्वेश्चन ना समझ नहीं आया। कौन से वाला बेटा? थर्ड, थर्ड क्वेश्चन। ओके, आपके पास है व्हाट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग एट दिस मीटर पर सेकंड रिक्वायर्ड टू मेक इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इन द सर्कुलर आर्क ऑफ अ रेडियस 0.35 मीटर। तो आपके पास बच्चे रेडियस दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता होता है, मास भी पता होता है, स्पीड भी दे रखी है, तो R is equal to mv upon two। Sorry sir, sorry sir, fourth वाला। A beam of the ion enters normally into the uniform magnetic field of 4×10⁻²⁻ with the velocity of 2×10⁵ meter per second। If the specific charge of the ion is given, then the radius of the circular path is। जी बताओ इसमें क्या दिक्कत आई बच्चे आपको? शाबाश। What problem you faced? आपको क्या प्रॉब्लम बच्चे? लग जाएगा ना आपके पास यहाँ पर, आई थिंक सो आपके पास रेडियस मुझे निकालना है, एंड द रेडियस इज गिवन बाय एम वी अपॉन क्यू इनटू बी और दिस इज वी अपॉन क्यू बाय एम इनटू बी। सो वी हैव गिवन द मैग्नेटिक फील्ड स्पेसिफिक चार्ज और वेलोसिटी भी गिवन है, सो 2×10⁵ क्यू बाय एम, this is 5×10⁷, 5×10⁷ into बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चे? मैग्नेटिक फील्ड बी है बच्चे हमारे पास। मैग्नेटिक फील्ड इज 4×10⁻², 4×10⁻², सो दिस विल बी आपके पास 2×10⁸, सो दिस इज 10⁵ एंड दिस विल बी 10⁸ माइनस ऑफ 2, so 10⁵ upon 10⁶, so I think so 0.1 meter। मैंने गलत पेज खोल दिया हुआ था, मैंने गलत सब्जेक्ट के डाउट क्वेश्चंस पूछ रहा था। सर सेवेंथ क्वेश्चन है, इसमें इनसफिशिएंट डाटा है क्या? क्वेश्चन नंबर 7, द इलेक्ट्रॉन हैविंग द चार्ज ऑफ 1.6×10⁻¹⁹ कूलम, सो 1.6×10⁻¹⁹ कूलम, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। एंड द मास, तो मास बच्चे इसने गलत दे रखा है, 9×10⁻³⁻³ और मैग्नेटिक फील्ड, हाँ मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर मिसिंग है, सो मैग्नेटिक फील्ड इज 2×10⁻¹⁹ टेस्ला, द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, तो वेलोसिटी भी मिसिंग है बच्चे हमारे पास, तो इसकी वेलोसिटी भी शायद से मिसिंग है बच्चे। तो यू सी जो सॉल्यूशन गिवन है ना उसमें उन्होंने वो वैल्यूज ली हुई है, आप एक बार सॉल्यूशन देख लीजिएगा आपको वैल्यूज पता लग जाएंगे बच्चे। हाँ बिल्कुल, इसमें डाटा इनसफिशिएंट है, प्लीज सी दिस सॉल्यूशन, और नहीं समझ में आएगा फिर मुझे बता देंगे ठीक। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 हो गए बच्चे, 8, 9, 10 बेटा आपने 27 जुलाई का पेपर देख लिया, 27 जुलाई के पेपर में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के देख लो कितने क्वेश्चन पूछे हुए, आप देखो आरसी सर्किट के भी पूछे हुए उसने, आपको रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी जेई मेंस के अंदर पूछा है, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो जो हमने निकाला था वो जो डिस्टेंस निकालते हैं वो भी पूछा हुआ है, यानी कि अगर आप 27 जुलाई का पेपर देखें प्लस टू के हिसाब से जितना पोर्शन हम कर चुके हैं करीबन 5 या 6 क्वेश्चन उसमें से आ रखे थे बच्चे, ठीक है 5 या 6 क्वेश्चन उसमें से आ रखे थे और सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट क्लास में डिस्कस थे बच्चे, जैसे कि बच्चे वो जो वोल्टेज वाला मैंने आपको बताया था आरसी सर्किट में कि वोल्टेज जो होती है वो वेरी करती है, वो क्यों वेरी करती है आप थोड़ा दिमाग लगा लेना, मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया था, इसलिए कभी भी जो मैं आपको करवा रहा हूँ उसको साथ साथ नोट करते चलो बेटा, ये बात की श्योरिटी है कि जो मैं आपको करवा रहा हूँ बच्चे एग्जामिनेशन एग्जामिनर वहीं पर पूछेगा, उसके इधर उधर कहीं नहीं जाएगा।
ठीक। तो 27 जुलाई का पेपर भी इस बात को एविडेंट देता है बच्चे, एविडेंस देता है कि जो चीज आपको करवाई गई है वही पूछी जा रही है बच्चे। ओके नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, कोई क्वेश्चन इसमें से डाउट? क्वेश्चन नंबर बच्चे हमारे पास यहां पर क्वेश्चन नंबर 11, 12, कोई डाउट? नो सर। 12th हो गया? यस। श्योर? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, बोलो। नो डाउट। श्योर है बेटा? यस सर। 17, 18, 19, 20, स्टार्टिंग में एंड में 20 हो गया था? यस सर। श्योर है बेटा? यस सर। 21, 22, 23, 24 बेटा देखिए अभी भी टाइम है, ठीक है पूछ लीजिए, क्योंकि ये बच्चे आसान टॉपिक है मैं मात मानता हूं, लेकिन फिर भी अगर कोई क्यूरी होती है बच्चे तो आप उसको जरूर बच्चे कर लीजिए। बेटा मैं आपको इस बात की छोटी दे रहा हूँ, 20th करा दो, 20th बच्चे यहाँ पर आपको करवा दे। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चे हमारे पास एक क्लासिकल एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चे हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 20 मेरे पास यहाँ पर ये y एक्सिस है एंड दिस इज योर x एक्सिस, ये x एक्सिस है और ये बच्चा हमारे पास z एक्सिस है, दिस इज अ z एक्सिस, और यहां पर हम क्या करते हैं एक इमेजिनरी क्यूब बनाने की कोशिश करते हैं। ये बच्चा हमारे पास हम एक इमेजिनरी क्यूब बनाने की कोशिश करते हैं, ये बच्चा हमारे पास एक इमेजिनरी हम क्यूब बनाने की कोशिश करते हैं। हम क्यों ऐसा क्यूब बना रहे हैं आगे चल के पता लगेगा, कहानी का पोर्शन हमें आगे चल के पता लगेगा कि हम ये क्यूब बनाकर क्यों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, ताकि आपकी विजुलाइजेशन बहुत बढ़िया से हो सके बच्चे। ये बच्चा हमारे पास एक क्यूब बन गया, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया, एक आपके पास एक क्यूब बन गया बच्चा, ये बच्चा हमारे पास एक क्यूब बन गया। अब हो क्या रहा है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास एक तरीके से अगर देखा जाए तो आपके पास यहाँ पर ऊपर की डायरेक्शन के लिए आपकी वेलोसिटी काम कर रही है, हमारे पास यहाँ पर हमारी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है और मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है और ये वेलोसिटी वी नॉट आपके पास कहाँ की तरफ है, जी। यहां पर जिस चार्ज पार्टिकल को आपने ऊपर की तरफ को फेंका है इसकी वेलोसिटी जो वाई एक्सिस पे है बच्चे, इस पे अब दो फोर्सेस काम करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स इसको कहां की तरफ को धक्का लगाएगी, ये बच्चे मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ को धक्का लगाएगी, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जैसे ये अंदर जाने लगेगा क्या ये बच्चे बिल्कुल सीधा सीधा अंदर चला जाएगा जेड एक्सिस के ऊपर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसका पाथ स्लाइटली डेविएट हो जाएगा, क्या लगता है बच्चे आपको, क्या आपके पास इसका पाथ बिल्कुल ऐसे ये जैसे ये जेड एक्सिस है ऐसे अंदर जाएगा या स्लाइटली बच्चा आगे की तरफ को मुड़ जाएगा, इसका पाथ आगे चला जाएगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगा, टिल्टेड हो जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल ऐसे नहीं जाएगा ये ऐसे जाएगा, और ये थोड़ा सा टेढ़ा किसकी वजह से हो रहा है बच्चे बताओ, ड्यू टू दी वेलोसिटी ऑन दी एक्स एक्सिस, अब ये एक्स एक्सिस की वेलोसिटी इसको कौन दे रहा है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इसको एक्सेलरेट करेगी, जीरो से लेके टी टाइम के बीच में आपकी ये जेड एक्सिस की वेलोसिटी तो बच्चे वी नॉट ही रही बच्चे आपके पास, ये तो बच्चे आपके पास वी नॉट ही रहेगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज करती है मैग्नेट्यूड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपके पास एक्स डायरेक्शन में ये वेलोसिटी आ जाएगी, ये कांस्टेंट है, ये बच्चा आपके पास टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है और ये हमारे पास इन दोनों का क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा, ये बच्चा हमारे पास इन दोनों का क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया, जेड एक्सिस की वेलोसिटी और एक्स एक्सिस की वेलोसिटी, यहां पर टी टाइम के बाद दो वेलोसिटीज आ जाएंगे, बताओ कौन कौन सी,
एक बच्चे वी एक्स आई कैप और दूसरी माइनस वी नॉट, और यहां पर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, के कैप, क्योंकि वो पीछे की तरफ को जाए, और इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा जरा बता दो, अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ वी नॉट का स्क्वायर। यहां पर वी एक्स किसकी वजह से आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यू एक्स प्लस ऑफ ई एक्स इंटू टी, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। एक्स एक्सिस पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी और एक्सेलरेशन कितने के बराबर है, क्यू ई बाई एम मल्टीप्लाइड बाई टी। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर वी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और ये आपके पास कितने के बराबर बोल रहा है, टी टाइम के बाद आपकी वेलोसिटी कितने के बराबर है, अंडर रूट ऑफ फाइव बाई टू इंटू वी एंड अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वेयर, यानी क्यू स्क्वेयर ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर इंटू टी स्क्वेयर प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास वी नॉट का स्क्वेयर। अगर मैं दोनों साइड्स का स्क्वेयर ले लेता हूं तो क्या चीज आ जाएगी, ये बच्चे हमारे पास 5 वी नॉट का स्क्वेयर अपॉन 4 माइनस ऑफ वी नॉट का स्क्वेयर। आयुष अब जल्दी बता दिए कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वेयर ई स्क्वेयर टी स्क्वेयर अपॉन बच्चे हमारे पास एम स्क्वेयर। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, वी नॉट का स्क्वेयर अपॉन 4 एंड दिस विल बी क्यू स्क्वेयर ई स्क्वेयर टी स्क्वेयर अपॉन बच्चे हमारे पास एम स्क्वेयर। दोनों साइड्स का अगर मैं रूट ले लेता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एम वी नॉट अपॉन बच्चा हमारे पास 2 इंटू क्यू इंटू ए एंड दैट विल बी द टाइम पीरियड। ये बच्चे इतने टाइम के बाद आपके पास आपकी वेलोसिटी इस ट्वेल्थ करा दिया आपने, बोलो बच्चे। सर आपने ट्वेल्थ क्वेश्चन करा दिया, ट्वेल्थ ही बोला था आपने, ट्वेल्थ ही आया था मेरे सामने, 20 बोला था। अच्छा मेरे को ट्वेल्थ सुनाई दिया बच्चे, आई एम सॉरी 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 सर, ये तो हो गया था। अच्छा हो गया था, मेरे को मैंने मेरे स्क्रीन पे भी यही है, मैंने वो देखा नहीं, चलो मैं 20 बता देता हूँ सर। हाँ बोलो सर, इसमें ना मुझे डायरेक्शन समझ नहीं आई सर, एक बार बताना आप डायरेक्शन बच्चे, सर हाथ से बताना एक बार डायरेक्शन कैसे समझाई आपने, कौन सी डायरेक्शन बच्चे, किसकी डायरेक्शन चूज की थी कि जिसमें जाएगा वो ऑब्जेक्ट। ये बच्चा हमारे पास एक्स एक्सिस है, जो ये लाइन मेरी तरफ आ रही है ये एक्स एक्सिस है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन पे काम कर रही है। एग्जैक्टली मैं बैठा हूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर है, चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, तो अंगूठा ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस पे, तो फोर्स कहाँ की तरफ को लग जाएगी बताओ जरा बच्चे मुझे, फोर्स कहाँ पे लग जाएगी, अंदर, तो चार्ज पार्टिकल अंदर भागेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस चार्ज को कहां पर खींचेगी, ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि चार्ज पार्टिकल गोल घूमने की टेंडेंसी रखेगा लेकिन एक्स एक्सिस पे भी आगे जाएगा, यानी कि इसका पाथ स्लाइटली क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। यानी कि अगर तू इसको देखे, मैं तेरे को यहां पर समझाता हूं कि आपके पास इसका मोशन अब ऐसे सर्कुलर नहीं होगा, इसका मोशन बच्चा हमारे पास स्लाइटली ऐसे सर्कल हो जाएगा, डिस्प्लेस सर्कल हो जाएगा, और इसको आगे कौन खींच रहा है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक, यानी कि इसका एक प्लेन नहीं, जैसे कि ये मेरे पास एक सर्कल है ना बच्चे, ये सर्कल का प्लेन आपको नजर आ रहा होगा, यानी कि ये चार्ज पार्टिकल ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे नहीं जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इसको अंदर भेज दिया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड साथ ही साथ इसको क्या करती रहेगी बच्चे, ऐसे टेढ़ा कर देगी, मेरी बात समझ रहा है, इसकी मोशन को टेढ़ा कर देगी, ऐसे डिस्प्लेस कर देगी, डिफ्लेक्ट कर देगी। कहने का मतलब मेरे पास कोई एक सर्कल है और उस सर्कल को आप जब बनाने लगे तो वो सर्कल का प्लेन एक प्लेन में ना होकर थोड़ा सा बाहर की तरफ को आ गया, जैसे कि ये बच्चा हमारे पास एक प्लेन है, समझ, ये बच्चा हमारे पास सर्कल इस प्लेन में बन रहा है, लेकिन बच्चे कुछ ऐसा हो गया कि ये सर्कल यहां से निकलकर आपके पास दूसरे प्लेन में जा रहा है, किसी और प्लेन के अंदर जा रहा है। अगर ये भी ना समझ में आए तो मतलब सर्कल बच्चे इस प्लेन में बनना चाहिए था अगर अकेली मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है तो ये यहां पर गोल घूम के ऐसे आगे की तरफ को चला गया, ऐसे दूसरे प्लेन में आ गया, आई बात समझ में। अगर अकेली मैग्नेटिक फील्ड होती तो ये एक ही जगह पे घूमता रहता, ये किताब के ऊपर ही गोल घूमता रहता मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगी तो ये हवा के अंदर आ गया या थोड़ा सा आगे चला गया,
तो इसके पास अब दो वेलोसिटीज होगी, एक जेड एक्सिस के अंदर ड्यू टू दी मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि अंदर जा रहा है, और दूसरी बच्चा हमारे पास ड्यू टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों की दोनों आपके पास जो भी वेलोसिटीज हैं इनके बीच का एंगल कितने का है बच्चा आपके पास? शाबाश। और इनका रिजल्टेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड पहले से दे रखा है। और रहेगी बात बच्चे वी एक्स कैसे निकालना है, यू एक्स प्लस ए टी। यू एक्स आपके पास क्या है, जीरो, और ए एक्स क्या है बच्चे, फोर्स अपॉन मास। वैल्यू डालते गए आंसर आता है। ठीक है सर, बोल सर। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो फिर ये के की डायरेक्शन में जाता रहता बेटा। अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, नंबर वन आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही होती और हर जगह पे स्पीड वी नॉट होती, नंबर वन। ये बच्चा हमारे पास कौन से प्लेन में मूव कर रहा होता बच्चे, आपके पास ये वाई जेड प्लेन के अंदर मूव कर रहा होता, वाई जेड प्लेन के अंदर। जहां से चला उसी लाइन पे बच्चे चलकर ये ऐसे गोल घूम के उसी लाइन पे वापस आ जाएगा, जिस लाइन पे चला उसी लाइन पे गोल घूमते उसी प्लेन पे वापस आ गया, उसी प्लेन पे आपके पास वापस आ रहा है। तो ये वाई जेड प्लेन आ गया आपके पास। ठीक, मेरे को ये समझ आया, बस कंफ्यूज इस बात में हो रहा हूँ कि वो माइनस वी नॉट के क्यों लिया आपने, क्योंकि तो अंदर की तरफ जा रहा है ना बच्चे, आपने चार्ज पार्टिकल अंदर की तरफ है। ये बच्चा हमारे पास इसको ऐसे करिए, ये बच्चा हमारे पास वी नॉट जे कैप है और ये बी आई कैप है। फोर्स देख ले कहाँ पे लग रही है, आपके पास फोर्स का फॉर्मूला किस पे होता है बच्चे, Q into V नॉट J क्रॉस ऑफ B नॉट into I मान ले। J क्रॉस I क्या होता है बच्चे बता जरा मुझे, J क्रॉस I क्या होता है बच्चे, माइनस K। तो इसका मतलब ये कहाँ की तरफ को मोमेंटम चेंज करेगा, अंदर की तरफ, माइनस K की। मतलब सर आपने वो वाली साइड को माइनस K लिया है। हाँ बच्चे अंदर ही जाएगा ना बच्चे हमारे पास, सर मैं उसको प्लस K करूंगा। ठीक है चलिए, वैसे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, अगर आप प्लस जे भी ले लेते हैं तो भी बच्चे मैग्नीट्यूड निकाल कर आंसर तो सेम ही आना था बच्चे। वैसे मैं एक जर्नल बात कर रहा हूँ, वो तो हम बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर इसको देख रहे हैं। ओके, आप कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे, मेरे को लगा आई एम सॉरी, मेरे को लगा ट्वेल्थ पूछ रहे हो। अच्छा अच्छा, मैंने ऊपर लिखा भी क्वेश्चन नंबर 20, मैंने वो पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा चलो, क्वेश्चन नंबर 20 से पहले तो नहीं है कोई बच्चा, बताओ शाबाश। क्वेश्चन नंबर 20, A beam of cathode ray is subjected to the cross magnetic field E and B. The field are adjusted, then the beams are not deflected. Okay. यहां पर बच्चा हमारे पास क्या है बच्चे, कैथोड और एनोड। अब होता क्या है बच्चे, फोकस करें। एक्चुअल के अंदर बच्चा हमारे पास क्या होता है, यहां पर हमारे पास एक सोर्स होता है। इस सोर्स के आगे बच्चा हमारे पास क्या किया जाता है, एक अरेंजमेंट बनाया जाता है बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके अंदर से मान लिया जाए कि हमारे पास यहाँ पर ये कैथोड रे है बच्चे हमारे पास, तो आपके पास जो भी इसका चार्ज है, मान लो कि ये पॉजिटिवली चार्ज की आपके पास बीम है, तो इसको बच्चे यहाँ पर पॉजिटिव कर दिया जाता है। इसको पॉजिटिव करने से इसकी स्ट्रीमलाइन कर दी जाती है और यहाँ पर बच्चे हमारे पास नेगेटिव, ये दो इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं बच्चे, ताकि बीम जब इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस करे, इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस करे, तो जैसे ये इसको क्रॉस करेगी तो इस बीम के पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी बच्चे बताओ, शाबाश, काइनेटिक एनर्जी। ये एक अरेंजमेंट बनाया जाता है, सबसे पहले आप चार्ज पार्टिकल को निकालकर उसको एक पोटेंशियल डिफरेंस में से भगाते हो और उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और उसके बाद जाकर बच्चा हमारे पास आगे की तरफ क्या होती है, हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये बच्चा अब मेरे पास यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर बच्चा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, या फिर बच्चा हमारे पास यहां पर क्या बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ भी हो सकता है। इसको काइनेटिक एनर्जी कौन दे रहा है, आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये इसको क्या दे रहा है बच्चा हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी। और यहां पर क्रॉस फील्ड है तो एक मैग्नेटिक फील्ड बच्चा अंदर की तरफ है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहां से कहां पर मान लेते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लेते हैं बच्चे ऊपर से नीचे, ये बच्चा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बच्चा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, क्रॉस फील्ड। यहां पर इस पॉजिटिव के ऊपर हमारे पास दो फोर्सेस काम करती है,
हमने तब भी देखा था, इस काइनेटिक एनर्जी से ये चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर कर जाएगा, ये चार्ज पार्टिकल है, और ये अगर अनडिफ्लेक्टेड आगे की तरफ को जा रहा है तो इसका मतलब क्या होता है? शाबाश बोलो बच्चे, इसका मतलब क्या होता है? अगर ये अनडिफ्लेक्टेड तो वी इज इक्वल टू, बच्चे हमारे पास क्या आ जाता है? ई अपॉन बी है ना बच्चे, v is equal to e upon b. अब ये v क्या है बच्चे? वेलोसिटी. ये वेलोसिटी कौन दे रहा बच्चे? काइनेटिक एनर्जी से आ रही है. अगर ये काइनेटिक एनर्जी से आ रही है तो हाफ एम वी स्क्वेयर है, और ये हाफ एम वी स्क्वेयर की जो काइनेटिक एनर्जी है ये कहां से आ रही है? क्योंकि इस बीम को इस मैग्नेटिक फील्ड या क्रॉस फील्ड में डालने से पहले इस पोटेंशियल डिफरेंस में से क्या करवाया गया बच्चे? एक्सेलरेट. तो ये कितना आ जाएगा? Q इंटू डेल्टा V. यहां से Q बाई M की रेशियो किसके बराबर है बताओ जरा बच्चे मुझे. ये बच्चा हमारे पास है हाफ, ये बच्चा आपके पास हाफ, इंटू बच्चा हमारे पास यहाँ पे डेल्टा V, और रह गया बच्चे V का स्क्वेयर, क्योंकि Q बाई M तो हाफ V स्क्वेयर अपॉन डेल्टा T. तो V की जगह बच्चा V स्क्वेयर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? शाबाश बोलो बच्चे, E स्क्वेयर अपॉन V स्क्वेयर. तो इसके स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू है e स्क्वेयर अपॉन टू बी स्क्वेयर इंटू डेल्टा. ठीक है आयुष? ठीक है आयुष, क्लियर है बच्चे? यहाँ पर पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस, उसका क्या मीनिंग है बच्चे? मैं आपकी आवाज थोड़ी बहुत समझ पाया हूँ बच्चे, आपको फिर से अपना क्वेश्चन दोहराना. सर मैं पूछ रहा था, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर क्रॉस्ड, तो वहां पे इस क्रॉस्ड का क्या मीनिंग है? कि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और वेलोसिटी, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर. और सर एक क्वेश्चन में था द फील्ड्स आर ऑर्थोगोनल, मतलब वही है नॉर्मल का मतलब ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल का भी मतलब वही है, नॉर्मल का भी मतलब वही है, आपके पास परपेंडिकुलर का मतलब भी वही है, सारों का मतलब वही हो जाता है. क्रॉस का मतलब है क्रॉस करिए एक दूसरे. ओके, कोई और डाउट? नेक्स्ट वन. नो सर, नो सर. 21, 22, 23 मानस तेरे से क्वेश्चन हो गए थे? मानस सर सेकंड लास्ट क्वेश्चन नहीं हुआ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन नहीं हुआ, उसे पहले वाले बेटा मैथ टेस्ट ले लेना परसों, और yes, नहीं होगा तो बच्चे ललित सर वहीं पर है, मैंने बोलना मुक्के लगा गया. ठीक है चलो, यहाँ पर बच्चे हमारे पास फिर देख लीजिए बच्चे, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 बताओ कौन से वाला बच्चे? 31 दिशा जी, दिशा बोल बच्चे, दिशा. नहीं 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 सर, वो क्वेश्चन मुझसे कैलकुलेशन एरर हो गया था, तो मैंने वो देखा कि गलत निकाल दिया, तो कोई हो गया, मैं कर लूंगी सर. कोई नहीं बेटा, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं. अगर देखो क्वेश्चन, हमें अपने चैलेंजेस एक्सेप्ट करने चाहिए, हमें अपने चैलेंजेस एक्सेप्ट करने हैं, और हमें चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आगे की तरफ को बढ़ना. क्वेश्चन नंबर 31, अ प्रोटॉन ऑफ मास इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस वी flies through the uniform transverse magnetic field B. The field occupies the region of the space by the width d. ये बच्चा हमारे पास क्वेश्चन है. अगेन यहां से बच्चा हमने एक प्रोटॉन की बीम को क्या किया बच्चे? एक्सेलरेट करवाया. ये प्रोटॉन की बीम को बच्चा हमने एक्सेलरेट करवाया पोटेंशियल डिफरेंस. जब बच्चा हमने इसको किसी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करवाया तो ये प्रोटॉन की बीम को क्या मिल गई बच्चे बताओ जरा मुझे? काइनेटिक एनर्जी. और इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से एक स्पीड मिली, और इस स्पीड की वजह से हम एक मैग्नेटिक फील्ड में जा रहे हैं. लेकिन बच्चे हो क्या रहा है, ध्यान से समझिए, हम जिस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है. वही चीज बच्चे इनसफिशियंट विड्थ किया था ना कॉन्सेप्ट मानस, हमने मानस किया था ना कॉन्सेप्ट. यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की विड्थ डी जो है बच्चे रेडियस से बहुत ज्यादा छोटी है. जहां पर बच्चे इसकी वैल्यू रेडियस से बच्चे आपके पास क्या है? बहुत ज्यादा छोटी है. अब बताओ ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? Q
क्या ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर सर्कल में मूव कर सकता है? बिल्कुल नो सर। यहाँ से ये चार्ज पार्टिकल डिविएट होकर आपके पास यहाँ से निकलकर फिर सीधा निकल जाएगा। इसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन बच्चे इसको हम सेंटर मान लेते हैं तो ये रेडियस आ गया आ, और ये बच्चा हमारे पास क्या आ गया अगेन ये एंगल अल्फा। तो आपको भी पता है कि ये रेडियस आ रहा है, और क्लास में बहुत अच्छे से बताया था कि ये भी एंगल अल्फा हो जो कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। यहाँ पर दो चीजें बताई गई थी, एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन और दूसरा बच्चा हमारे पास कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आप कैसे निकालोगे। ऐसे ये ट्राइंगल आप बनाओगे, यहाँ पर बताओ आर साइन अल्फा किसके बराबर है, जरा बता दो। सर जो इन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में, इफ ए बी द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ पे अल्फा आना चाहिए था ना? अल्फा आएगा बच्चे, अल्फा आएगा। यहाँ पर बच्चा हमारे पास आर साइन अल्फा किसके बराबर है बच्चे? डी के बराबर है। यहाँ पर आर किसके बराबर है? अंडर रूट ऑफ टू एम, और क्योंकि इसको पोटेंशियल डिफरेंस में से निकाला गया क्यू डेल्टा वी अपॉन बच्चा हमारे पास क्यू इंटू डी, और साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू डी। तो साइन अल्फा की वैल्यू किसके बराबर है बच्चे? क्यू बी डी अपॉन अंडर रूट ऑफ टू एम इंटू क्यू डेल्टा। तो ये बच्चा हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाए। मुश्किल था क्वेश्चन, अब इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, आप इसमें से कोई चीज कॉमन वगैरह भी निकाल कर, जैसे आप इसके अंदर से बच्चे आप क्यू को अंदर लेके जा सकते हैं, अंदर चला जाएगा वो, हो जाएगा बच्चे। अब इसके बाद तो बच्चे ऑप्शन बन जाएगा हम, मतलब के ये इसके बाद तो मैथ्स है बच्चे, वो तो कोई भी बच्चा कर सकता है। अब आपको बच्चे जितने क्वेश्चंस दिए गए बच्चे, वो क्वेश्चंस खुद में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। देखो हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी कि जो लेटेस्ट पेपर हो रहे हैं उनमें क्लास में पढ़ाए हुए क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है बच्चा हमारे पास कि जो हम पढ़ रहे हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस निकल कर आएंगे बच्चे। क्योंकि ये नहीं है कि ये मैं इसी साल पढ़ाता हूँ, मैं हर साल आरसी सर्किट कराता हूँ और यही चीजें कराता हूँ जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। कल को भाई साहब आपको इसी में यही क्वेश्चन आना, कल को आपको वर्टिकल डिफ्लेक्शन पूछ लेनी है, टाइम पीरियड पूछ लेना है कितना टाइम लगेगा, आपका वेलोसिटी का चेंज पूछ लेना है कि वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा। छोटी छोटी चीजें बच्चे आपको यहाँ पे टीचर पूछेगा। अब बेटा वहां पर आप परफॉर्मेंस मैटर करता है, क्लासरूम नहीं वहां के भी बच्चे, क्योंकि वहां पर अगर मैं सोच ही नहीं पाया बच्चे तो इसमें मैं भी फेल हूं बेटा, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया लेकिन आप रिटेन ही नहीं कर पाए उसको। तो मैं बिल्कुल लग गया यार ये मतलब कि मैंने गलत तो नहीं कर दिया बच्चों के साथ, कि मैंने उनको बताया लेकिन वो कर ही नहीं पाए उसके अंदर से। तो आपको क्लासरूम की परफॉर्मेंस बच्चे, क्लासरूम जो साथ साथ में करा रहा हूँ, जैसे कई बच्चे क्लास में बोलते हैं साथ साथ, लड़ते हैं मुझसे झगड़ते, मैं कहता हूँ यार जितना मर्जी लड़ो यार, जितना मर्जी लड़ो जितना मर्जी झगड़ो, लेकिन मेरे बच्चे फिर मैं आपको बताता हूँ एट लास्ट आपका क्लासरूम का परफॉर्मेंस सुधरना चाहिए। ये अगर मैंने एक देख, मैं एक बड़ी सिंपल सी बात बोलता हूँ, बच्चा बोलता है कि सर मैं 10 किताबें पढ़ रहा हूँ, मैं बोला यार एक पकड़ ले तू। कोई बच्चा कहता है सर मैं एचसी वर्मा नहीं करना चाहता, मैं बोला मत कर तू एचसी वर्मा, मत कर, मैं उसके लेवल जो उसमें से आने वाला वो मैं करवा दूंगा, एडो भी मत कर मैं करवा दूंगा उसमें से। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आप एक सिंपल दिनेश की बुक भी पढ़ रहे हो ना बच्चे, उसको आप 10 बार पढ़ डालो बेटा, पॉइंट ये है बच्चे। जब आप उस किसी भी एक बुक को पकड़ लो, किसी भी एक बुक को पकड़ लो यार, और उसको एक बुक को बच्चे आप 10 बार पढ़ लोगे और 10 बुकों में से एक टॉपिक को पकड़ोगे बच्चे, तो आप कंफ्यूज हो जाओ। इस वजह से प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। अब लास्ट मौका, इस पूरी डीपीपी में कहीं पर भी बच्चे अगर आपको कोई डाउट लगता है तो वो आप बच्चे मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। शाबाश जी, अगर इसमें से कोई भी आपको डाउट पूछना है तो बच्चे वो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। शाबाश, है कोई डाउट? चलो बच्चे, सो ये बच्चे, हाँ अब बच्चे जो ओवेस के क्वेश्चंस है, ओवेस ने कुछ क्वेश्चंस भेजे हुए, लेकिन ओवेस के जो क्वेश्चंस है बेटा वो आगे के टॉपिक के हैं। मैं सक्षम के देख लेता हूँ, सक्षम ने भी कुछ फोटो भेजी हुई है मेरे पास। सक्षम का एक क्वेश्चन आज अच्छा है हुआ, तो वो बच्चे मैं आपको करवा दूंगा। बाकी इसके क्वेश्चन रेजिस्टेंस वाले हैं, सक्षम का अब एक दिन डाउट सेशन लगेगा, सक्षम का इस टॉपिक पे भी कोई डाउट नहीं आया।
सर कोई एक आपने कहा था ना कल लोकेश ने कोई क्वेश्चन दिया था लोकेश ने क्वेश्चन दिया था कल आपको तो आपने कहा यार लोकेश ने क्वेश्चन दिया था वो शायद अक्षय वर्मा का था मैं कहीं पर रख के मैं भूल गया बहुत सारी किताबें अगर मैं तुम्हें दिखाऊंगा तुम वर्मा का ऑब्जेक्टिव वन का क्वेश्चन है वो अगर आपके पास एचसी वर्मा होगी मेरे पास अभी मैं रख के भूल जाता हूँ मेरे पास अभी है नहीं है बच्चे ठीक है मैं एचसी वर्मा का क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वही अनडिफ्लेक्टेड वाला कि अगर वो क्रॉस फील्ड में से गुजरता है तो पता नहीं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है एचसी वर्मा का क्वेश्चन अच्छा किया तूने याद दिला कोई बात नहीं ओके अब बच्चे को डाउट तो नहीं रहेगा ना बच्चे इस डीपीपी के अंदर से पक्का श्योर है बेटा यस यस बोलो बोल बोल बच्चे बोल क्लियर अब बच्चे हम बायो सेवर्स लॉ कर रहे थे डेरिवेशन मैं बाद में करा दूंगा बच्चे घबराना मत मैं बैठा हूँ डेरिवेशन को लेके बच्चे ज्यादा उसके अंदर से कई बच्चे लॉ की डेरिवेशन स्कूल के सिलेबस में है देखो बायो सेवर्स लॉ जो कल हमने किया था वो एक्सपेरिमेंटल वो तो बच्चे आपको स्कूल में पूछा जाएगा वो तो डेरिवेशन नहीं है वो तो लॉ है और बच्चे बायो सेवर्स लॉ पे बेस्ड जो कल हमने फॉर्मूला लिखा था स्ट्रेट लाइन का उसकी डेरिवेशन साइक्लोट्रॉन आपके पास नहीं है साइक्लोट्रॉन बच्चे आपके सिलेबस में नहीं है याद रखना बच्चे बट उसके सिलेबस में है क्या नाम है अपने जेई और नीट के सिलेबस में याद रखना इस चीज को तो ये जो कल हमने फॉर्मूला लिखा था बच्चे स्ट्रेट लाइन वाला ये देखो ये स्ट्रेट लाइन वाला कि मेरे पास अगर ये करंट आ गया आई ऊपर की तरफ और मेरे पास यहां पर ये एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट अगर यहां से आर डिस्टेंस दूर है और ये एक एंड पॉइंट से एंगल मेरे पास कितने के बराबर है 30 डिग्री और दूसरा एंगल बच्चे हमारे पास एंड पॉइंट का कितना 45 डिग्री ये करंट बच्चे हमारे पास आई है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकाली जो इसका फॉर्मूला है ना मेरे बच्चे उसकी डेरिवेशन बायो सेवर्स लॉ के ऊपर बाद में देखते हैं सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन बच्चे हमारे पास यहां पर आएगा 4 पाई I अपॉन R यहां पर बच्चे साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस साइन ऑफ 45 डिग्री एंड दिस इज म्यू नॉट इंटू आई अपॉन मेरे पास आ गया 4 पाई आर साइन 30 बच्चे हाफ साइन 45 वन बाई रूट टू डायरेक्शन यहां पर करंट की डायरेक्शन के अंदर आप अपनी फिंगर्स को रख लो ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहां पर है वहां पर उंगलियों को रखो बच्चे अंगूठा करंट की डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या है ये मैग्नेटिक फील्ड बच्चे हमारे पास कार्तिकेय कहां की तरफ को है बच्चे बोल शाबाश Inside. ये क्वेश्चन करना बहुत बड़ा चैलेंज नहीं ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है कि सर हम कर ही नहीं पाएंगे बिल्कुल कर पाओगे क्यों नहीं कर पाओगे क्या मुश्किल है इसमें से ये पहला केस है बच्चे हाँ इसका जो फॉर्मूला आता है उसकी डेरिवेशन बाद में करवा दूंगा बच्चे घबराने का नहीं मैं हूं करवा दूंगा कुछ नहीं है सिंपल इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन का कुछ रोल पर है बच्चे ये डिस्टेंस बच्चे हमें परपेंडिकुलर चाहिए अब बच्चे हमारे पास आ जाते हैं इसके स्पेशल केस इसके बच्चे हमारे पास क्या आ जाते हैं स्पेशल केस आगे इसका डायरेक्शन लिख देते हैं क्या बच्चे इसकी डायरेक्शन इसके आगे लिख देते हैं इसके आगे लिख देते अगर बच्चे हमारे पास यहाँ पर इनफाइनाइट वायर अगर इनफाइनाइट वायर हो जाएंगे तो ये दोनों एंगल्स अल्फा और बीटा ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा 90 तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी गिवन बाय म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इनटू आर अब आपने अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ढंग से पढ़ी हुई है ना तो आप में कुछ हौसला रहता है कि हाँ हम कर लेंगे अब हम कर लेंगे हमको पता है कैसे करना है और इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन बच्चे नीचे क्या आ जाएगा 2 पाई आर और डायरेक्शन डिपेंड करता है कि करंट किस तरफ को जा रहा है नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहां पर क्या चीज आ जाती है सेमी इनफाइनाइट वायर अगर मेरे पास सेमी इनफाइनाइट वायर
सेमी इनफाइनाइट वायर मतलब एक वायर जिसका एक एंड तो आपको पता है लेकिन जो दूसरा एंड है वो कहाँ की तरफ को जा रहा है बच्चे आपके पास इनफिनिटी की तरफ को जा रहा है और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है बच्चे हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो यहाँ कहीं पर है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है ये बच्चे हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है और हमारे पास ये वाली लेंथ आ गई बच्चे और ये एंगल तो बच्चे हमारे पास कितना आ गया थीटा आ गया और दूसरा बच्चे हमारे पास कहाँ की तरफ को जा रहे हैं बच्चे हमारे पास दूसरा बच्चे हम कहाँ की तरफ को जा रहे हैं वी आर गोइंग टूवर्ड्स इनफिनिटी तो एक एंगल थीटा आ जाएगा दूसरा बच्चे 90 डिग्री ये बच्चे आपके पास करंट कैरिंग वायर है यहाँ पर करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ पर है ऊपर है बताओ मेरी उंगलियां कहाँ की तरफ को मुड़ रही है बच्चे बताओ शाबाश ये उंगलियां स्क्रीन के अंदर जा रही है कि बाहर आ रही है बच्चे बाहर इस वजह से बच्चे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रज्वल भाई प्रज्वल कितने के बराबर है म्यू नॉट अपॉन 4π इनटू आई अपॉन आर और यहाँ पर साइन ऑफ थीटा प्लस ऑफ साइन ऑफ 90 डिग्री और बच्चे हमारे पास ये आउटसाइड है और ये आउटसाइड है तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा डॉट आ जाएगा ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगता है यानी मेरे पास अगर एक से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अब यहाँ पर वो सारी बातें घूम फिर के आ जाएंगे नल पॉइंट जीरो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होगी कैसा होगा कैसा नहीं होगा मतलब वो सारी चीजें जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में की थी वो समझ यहाँ पर अप्लाई होगी फॉर्मूला चेंज हो गया लेकिन वेक्टर की समझ वही रहेगी अगर कोई बच्चा चाहे मैंने क्या बोला ये चैप्टर हम चाहें बच्चे तो 2 दिन में भी खत्म कर सकते हैं हमको अब एक बेयर मिनिमम समझ चाहिए और अगर हम अटकाना चाहें बच्चे तो इसको 10 दिन भी अटका सकते हैं क्यों नहीं नहीं सर आप फिर से बताओ नल पॉइंट क्या होता है भाई नल पॉइंट क्या होता है एक किसी पॉइंट पर किसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और दूसरे की वजह से क्या बच्चे आउटसाइड है तो आपके पास अगर ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर दे कैंसल आउट तो आप क्या बोलोगे बच्चे यहाँ पर दिस इज अ नल पॉइंट क्या यहाँ पर अब हम बोल बच्चे बोल शाबाश सर ऐसी मतलब जनरल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे जैसे डॉट की जगह क्रॉस होता और ये मतलब ये डॉट वाले में अगर सेम ही यही चीज लिख के आखिरी में क्रॉस वाला करके इसमें ऐड कर देंगे तो जीरो आ जाएगा हाँ अगर बच्चे सेम है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना बच्चे हमारे पास मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लेकिन एक बात ध्यान रखना ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक ही पॉइंट पर कैलकुलेटेड होनी चाहिए सेम मैग्नीट्यूड की होनी चाहिए और ऑपोजिट डायरेक्शन दे विल कैंसिल आउट ईच अदर डेफिनेटली क्यों नहीं होगा बच्चे और सेमी इनफाइनाइट का लास्ट केस क्या होगा बच्चे जिसमें बच्चे ये सेमी इनफाइनाइट वायर है बच्चे हमारे पास और ऑब्जर्वेशन पॉइंट एक एंड पॉइंट के ऊपर ही ये बच्चे आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया था ये बच्चे एंड पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या बच्चे आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट आ गया यहाँ पर क्या होगा आपका थीटा एंगल जीरो हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा 90 ये बहुत ध्यान देने वाली बात है बच्चे ये हमारे को बहुत ध्यान देने वाली बात है अब अगर कोई बच्चा चाहे तो हजारों क्वेश्चन सोच सकता है और अगर कोई बच्चा चाहे तो मुश्किल बोल के छोड़ सकता है अपना पल्ला छुड़वा सकता है और कोई बच्चा चाहे तो बोलेगा वाओ यार ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि ये तो वैसे ही काम करना है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था वैसे ही मुझे फील्ड निकालनी है नल पॉइंट निकालना है वहां पर जो चार्ज छोटा होता था उसके पास नल पॉइंट होगा तो यहाँ पर जिसके पास छोटा करंट होगा उसके पास नल पॉइंट होगा अगर सेम चार्जेस होते हैं तो नल पॉइंट कहाँ पर होता है बीच में होता है अगर ऑपोजिट होता है तो नल पॉइंट कहाँ पर होता है बाहर सारी चीजें यहाँ पर आएंगी भाई सब चीजें यहाँ पर आएंगी अब मैंने क्या बोला अब आपकी सोच है क्या आप उस चीज को कितना आगे सर अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड में करंट के साथ एक ही चार्ज को छोड़ते हैं तो नल पॉइंट फाइंड नहीं कर पाएंगे ना हम चार्ज कैसे छोड़ोगे मतलब अगर एक ही चार्ज है इस मैग्नेटिक फील्ड में एक ही चार्ज है मतलब एक ही पार्टिकल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब रिवॉल्व कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में बेटा ऐसा होता है बच्चे हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडेंट होती है किसी चार्ज के ऊपर
नो सर। तो फिर बच्चे यहाँ पर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, बाहर से चार्ज रखो ना रखो। क्या सन की ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ की प्रेजेंस की वजह से अर्थ के ऊपर है? क्या आप अर्थ को हटा दोगे तब भी उसकी प्रेजेंस रहेगी? हटा देंगे तो भी रहेगी, तभी रहेगी बच्चे। तो इसमें चार्ज को क्यों बीच में लेके आ रहे? ओके सर। यहाँ पर बच्चे एक एंगल आ जाएगा, एक मिनट रुक जा, 0 डिग्री, और दूसरा एंगल बच्चा हमारे पास क्या आ गया, 90 डिग्री। तो अब बताओ बच्चे की मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आ जाएगी? म्यू नॉट आई अपॉन आपके पास यहाँ पर 4 पाई और एक एंगल साइन ऑफ 0 डिग्री और दूसरा बच्चे साइन ऑफ 90 डिग्री डायरेक्शन। यहाँ पर करंट ऐसे जा रहा है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऊपर है इन से, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर क्रॉस आ जाए। जी अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हो, फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है और अब इसके ऊपर बच्चे आपको क्वेश्चन आएंगे और आपको क्वेश्चन बनाने आने चाहिए। मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ बच्चे, फोकस करना। बोलो बच्चे। सही जो फॉर्मूला का है ये डेरिवेशन यूज आएगा इसका आगे? मतलब जैसे सर ये जो फॉर्मूला आपने लिखवाया है ये स्कूल के सिलेबस में तो नहीं है ना? बेटा मुझे देखना पड़ेगा, आई थिंक सो, कई क्वालिटेटिव आइडिया हो ना हो बच्चे, मुझे एक बार देख लेने देना। पर बायो सेवर्स लॉ की एप्लीकेशन होंगी बच्चे, मुझे एक बार देख लेने देना। अगर होगा तो बढ़िया, नहीं होगा तो और भी बढ़िया। तो नहीं होगा तो डेरिवेशन याद करने जरूरी नहीं है ना? बोला कौन करता है यार? और मैं तुम्हें बताऊँ बच्चे, देख इस दुनिया में सबसे मेहनती जानवर कौन? गधा है ना, लेकिन बच्चे उसको गधे को कोई वैल्यू नहीं देता। तो मैं डेरिवेशन ये बात है भाई, ढोने वाली बात होती है यार, आपको वॉमिट करनी होती है डेरिवेशंस। आप डेरिवेशन को जब करते हो वो आपकी इंटेलिजेंस का पैरामीटर बिल्कुल भी नहीं है, वो आप ढो रहे हो क्योंकि आप पे लात दी गई है। और कोई भी बच्चा यहाँ पर अगर 100 out of 100 फिजिक्स में लेकर आ रहा, पता लगा मैक्सिमम डेरिवेशन वो रट के गया था, और उसको एग्जाम के बाहर निकल के पूछ लो क्या थी डेरिवेशन, भूल चुका होगा वो, रट्टा लगा देता ना, वॉमिट, उसको वॉमिट करना बोलते हैं। मैं उसको इंटेलेक्चुअल वॉमिटिंग बोलता हूँ, क्या वॉमिट करके आते हो डेरिवेशन, क्या कर सकते हैं। चल छोड़ यार उसको, क्यों मेरी जुबान खुलवा रहा है, यहाँ पर आगे चलते हैं। क्या करे यार बताओ, आप क्या करे अब सर? 100 मार्क्स नहीं आने चाहिए क्या फिर? देख 100 मार्क्स आने चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे, लेकिन आयरनी ये है बच्चे, जिसके 100 मार्क्स आते हैं वो आईआईटी में क्यों नहीं जाता, मुझे ये बात समझ में नहीं, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। जो बंदा सीबीएसई का टॉपर है भाई, वो आईआईटी टॉप क्यों नहीं करता, क्या वजह है उसके अंदर, मेरा क्वेश्चन ये है। और जो बंदा आईआईटी टॉप कर रहा है उसको सीबीएसई वो क्यों नहीं टॉप कर पाता, क्या रीजन है? आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कभी? मेरे दिमाग में बहुत आता है कि यार ये बंदा जो है बोल दिया जी आईआईटी टॉप ना उसका, और जो ओलंपियाड विनर होता है वो भी बच्चे सीबीएसई टॉप नहीं कर पाता, क्या उसके पास इतनी बेकार नॉलेज है कि वो सीबीएसई जैसा टुच्चा एग्जामिनेशन ना क्लियर कर पाए? मेरी बात समझ पा रहे हो मेरी बात? एक आप बोलते जी फिजिक्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडलिस्ट है बंदा, उसका नाम ढूंढ के देखना बच्चे सीबीएसई के टॉपर लिस्ट में कहां पर होगा। मैं कहता हूं शुरू के 100 में भी शायद ना हो उसका नाम। और जो फिजिक्स ओलंपियाड है उसको बंदा जो सीबीएसई टॉपर है क्वालिफाई भी नहीं कर पाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नंबर नहीं आने चाहिए, देख मेरे अपने व्यूज हैं और यू शुड नॉट इन्फ्लुएंस, ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं, नॉट जो मेरे सब्जेक्ट का व्यू अलग होता है, ये मेरे पर्सनल व्यू है यार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 100 के लिए ट्राई नहीं करना चाहिए, पर मेरे को दुख भी होता है कि कहीं ना कहीं या तो इन टॉपर्स में कुछ गड़बड़ है या इनमें कुछ गड़बड़ है, या एवोल्यूशन के सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, या सिलेबस में कुछ गड़बड़ है, या पेपर सेटिंग में कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ नहीं सर। एक फैक्टर वो आ जाता है ना, जैसे ओलंपियाड है उसमें वहाँ पे डिफरेंट वे से करना होता है, सीबीएसई में जो सब्जेक्टिव लिखना होता है वो थोड़ा अलग हो जाता है ना। हाँ वही चीज है ना, बात वही है ना बच्चे, जो आपका माइंड सेट है ना बच्चे, आप एक बात है ना बच्चे की आप धूप के अंदर कोई चीज रखो, आप छाया में कोई चीज रखो, तो दोनों का आकार और प्रकार चेंज हो जाता है, बात वही है बच्चे। लेकिन बच्चे मेरे को कई बार बच्चे बोलते हैं सर आपको क्या लगता है, तो मैं बोलता हूँ देख जो जेई और नीट क्लियर करेगा वो तो सीबीएसई तो पास होगा ही होगा ना, कहते हैं हाँ। और मैं जो सीबीएसई पास होगा वो क्या जेई और नीट पास होगा क्या ये जरूरी है, तो आंसर होता नहीं। तो मैं चॉइस अब आपको देखनी है, चॉइस कई बार आपको भी देखनी होती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सब्जेक्टिव है, वही बात है बच्चे,
फिर बहस बहुत बड़ी हो जाती है जिसमें दिल भी तरसता है यार। हाँ दोनों दोनों आगे करा दो। तो ये बोल रहा है इसको छोड़ते आगे करते डेरिवेशन वगैरह। अब मेरे को पूछना ही नहीं चाहिए था डेरिवेशन के लिए। क्या क्या ऐसा मेरे को पूछना ही नहीं चाहिए था डेरिवेशन। हाँ मेरा तुमने मेरे दिल का दर्द जो है ना छलका दिया। चलो यहाँ पर नहीं नहीं पूछना चाहिए यार। अगर हम ऐसे बातें करेंगे तभी थोड़ा बहुत आगे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ये बच्चा हमारे पास एक वायर है बच्चे, और इस वायर को बच्चे हमने क्या कर दिया यहाँ पर बच्चे इस तरीके से आपने इन्फिनिटी की तरफ को जा दिया, और ये एंगल बच्चा हमारे पास आ गया टू थीटा, और ये रहा बच्चा हमारे पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट। फोकस करो, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट बच्चे हमारे पास इस वर्टेक्स से यानी कि एंगल बाइसेक्टर के ऊपर आर डिस्टेंस पे, और मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी और करंट आपके पास यहां से यहां तक जा रहा है। ये बच्चे वायर का एक टुकड़ा है जो कि इंफिनिटी से इंफिनिटी जा रहा था, मैंने इसको एक एंगल थीटा पे टू थीटा पे मोड़ दिया, और बच्चे हमारे पास किया क्या एक एंगल बाइसेक्टर पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले लिया, और मुझे अब मैग्नेटिक फील्ड बतानी है पी पॉइंट। सॉल्यूशन फोकस करें, सॉल्यूशन यहां पर बच्चे हमारे पास फोकस इस बात को करना है बच्चे कि ये जो पी पॉइंट है बच्चे हमारे पास, मैं इस वायर के दो हिस्से ले लेता हूं। वायर नंबर वन जो कि सेमी इनफाइनाइट हो जाएगी यहां से लेके यहां पर, और वायर नंबर वन की मैग्नेटिक फील्ड बी वन ये आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, करंट चल रहा है आई परपेंडिकुलर। बोलो बच्चे बोलो, ये जो लाइन कनेक्ट कर रही है वो एंगल बाइसेक्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही है? कौन सी वाली बच्चे? जो टू थीटा को कट करके पी पे जुड़ रही है, एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है सर। टीवी बंद करो बच्चे, आपके पीछे टीवी चला हुआ है, टीवी चल रहा है ना? यस और नो? नहीं मैम। तो नहीं सर। नहीं मैडम। बेटा क्यों क्यों ऐसा? नहीं मैडम बताओ, इसको जो न्यूज न्यूज सुनाने वाली मैडम ही लग रहा हूँ अभी। यार सर रिकॉर्डिंग में यहाँ पर ये वाली चीज बच्चे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी। हमने हमेशा करंट कैरिंग एलिमेंट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना। अब ये आर बच्चे हाइपोटेन्यूज है, ये एंगल थीटा है, तो ये बच्चे परपेंडिकुलर के आ जाएगा। बताओ शाबाश। आर साइन थीटा। ये बच्चे हमारे पास आर साइन ऑफ थीटा। अब आ गया बच्चे अंदर वाला एंगल, ये वाला एंगल कितने के बराबर होगा? शाबाश बोलो। 90 माइनस थीटा। और बच्चे अगर हम आगे की तरफ को चल जाते हैं क्योंकि इन्फिनिटी पे चल रहा है, तो ये एंगल कितने के बराबर होगा? 90 डिग्री। देखो क्वेश्चन करना है, रटना नहीं है। और यहां पर अगर मैं देखता हूं तो साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस ऑफ साइन ऑफ 90 डिग्री। और यहां पर बच्चे डायरेक्शन करंट ऐसे चल रहा है बच्चे, देखो करंट ऐसे चल रहा है स्क्रीन पे देखो, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है इन साइड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बच्चा हमारे पास आगे इन साइड। चलो जी खत्म का। अब जब मैं ऊपर की तरफ को जाता हूं, अगेन एंगल थीटा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चा हमारे पास यहां पर आर साइन थीटा, अगेन सब कुछ सेम है। अब ये वायर नंबर टू की मैग्नेटिक फील्ड में भी हाँ, ये बच्चा हमारे पास आगे से म्यू नॉट फोर पाई इंटो आर साइन ऑफ थीटा, ये बच्चा हमारे पास आर साइन ऑफ थीटा, ये वाला एंगल बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है? शाबाश बोलो बच्चे। 90 माइनस थीटा। और दूसरा बच्चा आपके पास यहाँ पर 90 डिग्री सेम आ जाएगा, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा प्लस ऑफ बच्चे साइन ऑफ 90 डिग्री। इसकी डायरेक्शन क्या होगी जरा बताओ? अब बच्चे देखो ऐसे, ये देखो बच्चे अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ, बिल्कुल ध्यान से, ये बहुत आसानी से हो जाएगा, और इसकी डायरेक्शन इनसाइड है। यही बात बच्चे मैं आपको बताने वाला था, क्योंकि सेम पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है कि डिफरेंट है? बताओ बच्चे सेम। तो वेक्टर्स के हिसाब से दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे बच्चे आपके पास?
ये बच्चे हमारे पास आपस में क्या हो जाएंगे बच्चे बताओ, शाबाश, ऐड हो जाएंगे। ये आपस के अंदर बच्चे हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऐड। तो बताओ नेट मैग्नेटिक फील्ड अब आपके पास है, इसका ट्वाइस हो जाएगा, टू टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई, ये बच्चे आ जाएगा इनटू साइन थीटा। अब अंदर क्या आ जाएगा जरा बता दो बच्चे, कॉस थीटा प्लस थीटा प्लस वन, कॉस थीटा प्लस वन। अच्छा कोई बच्चा मुझे बताए वन प्लस कॉस थीटा किसके बराबर होता है, शाबाश। और इसकी नेट डायरेक्शन क्या हो जाएगी इन सर, कोई बच्चा बताए। चलो देखते हैं आपको मैथ्स कितना बढ़िया ढंग से आता है। टू पाई इंटू आर, साइन थीटा को आप और क्या लिख सकते हो जरा बता दो, टू साइन थीटा कॉस, शाबाश। और वन प्लस कॉस थीटा को और क्या लिख सकते हो जरा बताओ, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, ये बच्चे हमारे पास कॉस स्क्वायर होता है पगले, यहाँ पर टू से टू। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक बंदा साइन पे भी चला हुआ था, ये बच्चे कॉस यहाँ पर आएगा, कॉस अपॉन साइन क्या आ जाएगा बच्चे हमारे पास, कॉट आ जाएगा। कॉट, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई अपॉन बच्चे टू पाई आर इंटू बच्चे हमारे पास कॉट ऑफ, आपके पास क्या आ जाएगा थीटा बाय टू डायरेक्शन। मैंने जानबूझ के मुश्किल क्वेश्चन लिया बच्चे, पहले बता दूंगा क्योंकि मैं सारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहता हूँ। और वो ये देखो टुच्चे मुच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं भैया, तो देख लो भैया कि भाई 60 डिग्री करा दिया, 30 डिग्री करा दिया, 40 डिग्री, तो वो तो होते रहेंगे बच्चे, लेकिन क्वेश्चन टीचर आपको अब तो बच्चे आपको सही लेवल पे पकड़ने पड़ेंगे। पहला स्ट्रेट लाइन, दूसरा टाइप कौन सी है, फाइनाइट, इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ पर है, और एंगल्स कौन से बन रहे हैं, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा बन रहा है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे फोकस करिए, एक पॉइंट बच्चे हमेशा जिंदगी में याद रखें, एनी ऑब्जर्वेशन पॉइंट, मेरे पास अगर कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो, एनी ऑब्जर्वेशन पॉइंट, अगर बच्चे मेरे पास कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट है लाइन जो कि लाई कर रहा है बच्चे बिफोर, बिफोर ऑन और आफ्टर करंट एलिमेंट, आफ्टर द करंट एलिमेंट, आफ्टर द करंट एलिमेंट, After the current element has zero magnetic field, has a zero magnetic field. इसके ऊपर बच्चे हमारे पास magnetic field क्या हो जाएगी, zero. यानी कि मेरे पास यहाँ पर एक straight current carrying wire है बच्चे, ये बच्चे आपके पास current carrying wire, ये current carrying wire. अगर कोई observation point इसके बिल्कुल पीछे है, इसके बिल्कुल बच्चे हमारे पास यहाँ पर पीछे है, इसके बिल्कुल आगे बिल्कुल सीधी लाइन के ऊपर, याद रखना इस करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी और यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये कॉन्सेप्ट है याद रखना। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर मिलेगी, वो पॉइंट्स बच्चे जो कि इस वायर के आसपास प्लेन पे होंगे, पूरा ऊपर नीचे यानी कि पूरा एक सर्कल के अंदर होंगे, वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, आगे और पीछे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। बोलो बच्चों, करंट एक्सिस पे नहीं होगी, करंट एक्सिस पे नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी, यानी कि बाकी इस वायर के ऊपर हवा में, इस स्क्रीन के पीछे, यहाँ पर ऊपर नीचे हर जगह पे होगी, यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पर आपने ऑन में लिखाया हुआ है, बच्चे ऑन, बच्चे हमारे पास ऑन भी आ जाएगा, यानी कि वैसे ऑन कभी टीचर देता नहीं है, ऑन में सिर्फ सिक्योरिटी, ऑन का मतलब बच्चे उस वायर के ऊपर, मैं कहाँ कहाँ मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा हूँ, ये देखो ये आपको ऐसे ये कड़ा दिखाई दे रहा है बच्चे आपके पास, ये कड़ा, ठीक है, ये बच्चे कड़ा आप वायर को टच नहीं कर रहे, या जहां जहां पर ये कड़ा होगा बच्चे हमारे पास, वहां वहां पर इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहां पर नहीं होगी, इसके ऊपर भी किसी जगह पे नहीं होगी, लेकिन हाँ हवा के अंदर होगी बच्चे, जो हवा होगी बच्चे उसके अंदर होगी ऊपर, एक है बच्चे हवा में ऊपर और एक है बच्चे बॉडी के ऊपर, तो इस बात को ध्यान में रखो।
कि कोई भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट करंट एक्सिस पे कहीं पर भी हो इस वायर एलिमेंट के ऊपर, और बच्चे हवा के अंदर होगी तो होगी बच्चे, लेकिन वायर के ऊपर नहीं होना चाहिए ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी बच्चे? जीरो। जी लग गया पता बच्चे आपको ये वाली चीज? ये कॉन्सेप्ट है और इसको आपने हमेशा याद रखना, दिस इज अ कॉन्सेप्ट जो कि आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे, हम यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन, यहाँ पर फिर बच्चे हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चे, और हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है बच्चे, फोकस करें। क्वेश्चन बच्चे हमारे पास ये है कि मेरे पास यहाँ पर दो इनफाइनाइट वायर्स है बच्चे, फोकस करें। ये बच्चे हमारे पास इनफाइनाइट वायर्स है, और ये इनफाइनाइट वायर्स एक दूसरे से आपके पास पास हो रही है, क्रॉस नहीं कर रही, मतलब टच नहीं कर रही हमारे पास, और ये इन्फिनिटी की तरफ को जा रही है। ये बच्चे आपके पास है, मतलब वायर टच नहीं कर रही। ये करंट बच्चे हमारे पास ऊपर की तरफ को कैरी कर रही है I1, और ये करंट बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ गया I2। एक x एक्सिस की तरफ को जा रही है और दूसरी बच्चा हमारे पास क्या जा रही है, y एक्सिस। ये बच्चे y एक्सिस, ये बच्चे y एक्सिस, ये x एक्सिस पे। और टीचर अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहे, क्वेश्चन क्या है बच्चे हमारे पास, ये है बच्चे कि डिराइव, या फिर बच्चे हमारे पास डिराइव द इक्वेशन ऑफ द कर्व, डिराइव द इक्वेशन ऑफ द कर्व, डिराइव द इक्वेशन ऑफ द कर्व वेयर, जहां पर बच्चे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दीज टू एलिमेंट्स, दीज टू एलिमेंट्स इज जीरो, These two elements is zero. इन दोनों elements की वजह से बच्चा आपके पास क्या हो जाए, zero हो जाए, दोनों element की वजह से। समझना बच्चे, सबसे पहले बच्चे हम यहाँ पर बच्चे कोई observation point ले लेते हैं, let this observation point be equal to P। यहाँ पर नीचे वाले की वजह से magnetic field कहाँ पर होगी बच्चे, P point पर outside। और बच्चे यहाँ पर इसकी वजह से क्या हो जाएगी बच्चे बताओ, हो जाएगा इनसाइड। यहाँ पर बच्चे हमारे पास ये वर्टिकल डिस्टेंस आ गया बच्चे आपके पास y, और ये बच्चे हमारे पास क्या आ गया x। अगर मैं P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड देखता हूँ तो मेरे पास दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक क्योंकि इनफाइनाइट वायर है इसलिए म्यू नॉट आई टू अपॉन बच्चे टू पाई इंटू y, और दूसरी तरफ बच्चे माइनस ऑफ म्यू नॉट, इसके डायरेक्शन क्या है बच्चे हमारे पास आउटसाइड, इसके डायरेक्शन बच्चे आउटसाइड, एंड म्यू नॉट इनटू आई वन इनटू टू पाई इनटू एक्स, और इसके डायरेक्शन क्या है बच्चे हमारे पास इनसाइड। अगर दोनों का सम बच्चे होकर क्या हो जाए बच्चे, शाबाश, जीरो, जीरो, तो फिर बच्चे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो। खैर इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, I2 upon y is equal to I1 upon x। तो बताओ y is equal to किसके बराबर है, जरा बताओ, I2 upon I1 into x। बताओ ये कौन सी इक्वेशन है बच्चे, बताओ किस तरफ की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन, यानी कि अब समझो, अब कहानी समझ में आती है। यहाँ पर बच्चे ये जो स्ट्रेट लाइन होगी जो ओरिजिन से पास होगी, इसके ऊपर जहां पर भी आप जाओगे आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। क्या यहाँ पर, फिर आप क्वेश्चन उठाओगे सर यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फील्ड जीरो है कि नॉन जीरो, चलो चेक कर लेते हैं। अब बताओ बच्चे ऊपर वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एस पॉइंट पर कहाँ पर है, आउटसाइड, और नीचे वाले की वजह से भी क्या बच्चे, आउटसाइड। यहाँ पर दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में एड हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप मान लो टी पॉइंट ले लेते हो, यहाँ पर साइड वाले की वजह से इनसाइड, और बच्चे ये जो आपके पास यहाँ पर करंट जा रहा है, हाथों की बड़ी एक्सरसाइज है, तो यहाँ पर करंट जा रहा है और नीचे ऑब्जर्वेशन पॉइंट है तो इनसाइड। यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या हो रही है, ऐड। तो हमारे पास इन दो कोऑर्डिनेट्स के अंदर ये ऐड हो रही है, और इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के अंदर ये सबट्रैक्ट हो रही है, तो ये वो लाइन है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या हो जाएगी, जीरो, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड बच्चे जीरो। चलिए सो आज के लिए बच्चा हम इतना करें, बोलो
सर अगर हम उससे देखें लाइन से देखें तो वहां पर ठीक है सर, कंसेंट्रिक सर्कल दो मीट कर सकते हैं ना दोनों वायर्स के। हाँ, आप बहुत सारी चीजें बच्चे देखो, लेकिन कंसेंट्रिक सर्कल्स की डायरेक्शन भी तो इम्पोर्टेंट होगी, यानी कि नीचे वाले के मैग्नेटिक फील्ड का कंसेंट्रिक सर्कल ऐसे है बच्चे हमारे पास, और इसका ऐसे, वो अपोज कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है बच्चे, जीरो हो जाएगा। ठीक है, वो भी देखना। यानी कि ये चैप्टर मुश्किल नहीं है, इसके अंदर बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत है। यानी जो बच्चा ऐसे करके बैठ के स्क्रीन के सामने बैठा हुआ है तो बेटा उसको तो समझ में नहीं आना, लेकिन जो बच्चा साथ साथ कर रहा है, अच्छा ये डायरेक्शन ऐसे है, ये इनसाइड है, मैं बच्चे आपको लिख के दे सकता हूँ बेटा कि आपको पेपर में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, सारे सही होंगे। और मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आने लायक होते हैं बच्चे, मैं कोई आपको फालतू क्वेश्चन नहीं करा दिया कि आपको बड़ा मुश्किल क्वेश्चन करा दिया, आप लगे रहो उसके ऊपर, देखो जी ऐसा नहीं होता, फंडामेंटल क्वेश्चन करो वही पेपर में। सर अगर इसी में हम एस पॉइंट पे देखते हैं तो वहां पे कैसा कर्व बनेगा इनका? कहां पर बच्चे? एस पॉइंट पे। एस पॉइंट पर बच्चा हमारे पास देखो, कर्व का आपके पास मतलब क्या? सबसे पॉइंट है कि कर्व का क्या मतलब है, कर्व यहां पर वो किस कंडीशन पे बोल रहे हैं। आप ऐसा नहीं कि आप किसी भी पॉइंट को उठाकर कर्व बना लो, क्योंकि वो आपको बोल रहा है कंडीशन बोल रहा है कि जितने भी पॉइंट्स है जो जीरो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वो किस कर्व के ऊपर लाई करेंगे, वो हमारे पास है। वो नॉन जीरो है बच्चे तो उसकी तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। सर जैसे अभी आपने, हमने जब क्वेश्चन किया तो हमने पी पॉइंट को डायरेक्टली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिया, उससे हमारा रिजल्ट आ गया। अगर हम उसको किसी और क्वाड्रेंट में पहले ले लेते तो उससे भी आ जाता क्या? नहीं बेटा, ये तो बहुत सारी डायरेक्शंस पे डिपेंड करता है। सपोज कि मैं करंट की डायरेक्शन को चेंज करूंगा तो फिर पी पॉइंट पर आएगा ही नहीं बच्चे आपके पास, मेरी बात समझ लो। ये तो डिपेंड किया, ये किस्मत है बच्चे कि मैंने पहला क्वाड्रेंट लिया और उससे आंसर आ गया। ये एस क्वाड्रेंट में भी जीरो हो सकता था। मान लिया जाए बच्चे कि करंट की डायरेक्शन को मैं उल्टा कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल वाले को, अगर मैं हॉरिजॉन्टल वाले को जीरो कर देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ, तो हॉरिजॉन्टल वाले की मैग्नेटिक फील्ड एस में क्या हो जाएगी, इनसाइड, और वर्टिकल वाले की क्या हो जाएगी, आउटसाइड, एस पे जीरो हो जाएगा और टी पे भी जीरो हो जाएगा, तब ये वाली स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये टिपिकल क्वेश्चन है, तो वो डिपेंड करता है, आप याद नहीं कर सकते इसको। ठीक है, ओके सर, चलिए। सो बच्चे इसको अभी हम यहीं पर रोकते हैं बच्चे, कल हम इसके ऊपर ज्यादा एग्रेसिवली बच्चे काम करने की कोशिश करें। थैंक यू सर।